हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल आज हम बेटा 6.8 पढ़ेंगे पिछली क्लास में हमने टी आर एन ए वाला 6.7 पढ़ा था जिसमें कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन बताया गया है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू तो अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अ करट वेरियस लेवल्स कंसिडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो हम देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट टी आर एन ए जो है कोडोन जो पहली बार पकड़ेगा वहाँ से बनना शुरू होगा कैसे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और फिर ये जो है जितने भी अमीनो एसिड्स को रीड करेगा इसको ट्रांसफ़र करता चला जाएगा और बार बार खाली होता जाएगा टू तो रिसीव दी नेक्स्ट कोडोन राइट तो ये हम बात पढ़ चुके हैं और इसमें फिर फाइनली ये जो पूरा पॉलीपेप्टाइड बनता है तो वही बात उसने नीचे भी कही है इन यू कैरियॉर्ड्स द रियक्श रेगुलेशन कुड बी एग्जर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल प्रोसेसिंग लेवल जब डी एन ए से अमेरण्डी बना रहे थे फिर उसकी स्प्लाइसिंग कर रहे थे फिर उसको साइटोप्लाजम भेज रहे थे या ट्रांसलेशन लेवल इनमें से किसी भी लेवल पर चीज़ें बदल सकती हैं द जीन्स इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस जीन जो होते हैं एक सेल में वो कोई एक फंक्शन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं जैसे एक एंजाइम है बीटा गलेक्टोसाइडेस जिससे कि होना क्या है कि इलेक्टोज को ब्रेक डाउन होना है ग्लेक्टोज और ग्लूकोज में किसके पास प्रेजेंट है एककोलाइसेंथसाइज करता है इसको और गैलेक्टोज ग्लूकोज से फिर हमें एनर्जी मिलती है इफ द बैक्टीरिया के पास ललेक्टोज नहीं है कुछ टाइम के लिए तो उनको इस एंजाइम की ज़रूरत नहीं होगी यानी कि ये जो मेटाबॉलिक कंडीशन है इससे रेगुलेट होगा कि कब बीटा गलेक्टोसाइडेज आएगा और कब बीटा गलेक्टोसाइडेज नहीं आएगा यानी कि उसका एक्सप्रेशन नहीं होएगा डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसीशन ऑफ एम्ब्रियो भी इसी की कहानी है उसमें भी बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स समय समय पर बदलते हैं इन प्रो कैरियोर्ड्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन प्रो कैरियोड्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है वो मेन साइट है वहीं पर सबसे ज़्यादा बदलाव देखे जाते हैं देन दो चार आपने अभी पढ़े कि कहाँ कहाँ हम रेगुलेट कर सकते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उसमें वहीं रेगुलेट होता है इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो अरन्य पॉलीमरेज होता है अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अरन ए पॉलीमरेज रीजन जो है वही एक्टिविटी को स्टार्ट कराता है अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो जो हमने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करने की बात की थी तो ये प्रमोटर रीज़न है जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है और इसके लिए हमें जो इन्ज़ाइन चाहिए होता है प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आर पॉलीमरेज जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल ब्लू में यही बात वो आपसे इधर एक्सप्रेशन में दोबारा कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ अर्नी पॉलीमरेज एट गिवन प्राइमेट प्रोमोटर उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि वो आसानी से रिकोगनाइज कर पाता है कि उसको प्रमोशन या बेसिकली रिएक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू करनी है और जो इस तरीके के एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स और वो दोनों काम कर सकते हैं अर्ली पोलीमरीज को बढ़ा भी सकते हैं और उसके काम को घटा भी सकते हैं असेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकारोटिक डी एन ए इन मैनी केसेज रेगुलेटेड बाई इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स कि जो प्रोमोटर रीजन है वो असेसेबल भी होगा वो अपना काम कर भी पाएगा या नहीं पाएगा स्पेशली प्रोकारोटिक डी एन ए में उसको रेगुलेट करने के लिए कि उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा नेगेटिव इफेक्ट आएगा बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इंट्रैक्शन ऑफ मैनी असेसरी प्रोटीन्स होते हैं उनको हम एक साथ बोलते हैं ऑपरेटर्स क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स जितने भी सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे जैसे अभी हम नीचे लैक ऑपरन में पढ़ेंगे ऑपरेटर रीजन जो है वो प्रमोटर रीजन के बिल्कुल साइड में होगा इन मोस्ट ऑपरेंस एंड इन मोस्ट केसेस द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन तो आप देखोगे कि ये जो ऑपरेटर है ये बिल्कुल प्रमोटर के साथ में ही है और ये बाइंड कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन से ये बात वो आपको बोल रहा है राइट right? हर ओपरेन का एक स्पेसिफिक ऑपरेटर रिप्रेसर होता है लैक ओपरेन इल्यूसिडेशन यानी क्लैरिटी ऑफ लैक ओपरेन जो है वो तब आई जब दो लोगों ने मिलकर काम किया फ्रेंसिस जैकब एंड चेके मोनाट दे वर द फर्स्ट टू एल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम वो पहले थे जिन्होंने हमें पहली बार एक ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेटेड सिस्टम समझाया इन लैक ओपरेन ए पोलिसट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाई ए कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स लैक ओपरेन के दौरान एक जो पोलिसट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है यानी कि जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ फंक्शन हैं अगर आप सिस्ट्रॉन को दोबारा रिवाइज करना चाहें तो देखिए वो भी इसी टॉपिक में कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था आपको दिखा देता हूँ ये देखें कि डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ए टीआरएनए आर मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंस अ जीन और स्ट्रोन का मीनिंग होता है डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड तो अगर आप बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पोलिसनिक और अगर सिंगल के लिए कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं मोनोसटोनिक जो कि जनरली यूकेरियो में होता है ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर मेनी जीन्स इज पोली तो वही प्रमोटर और रेगुलेटर जीन्स पर वाले की तरह बिल्कुल सेम कहानी की उसको रेगुलेट करेंगे सच अरेंजमेंट इज कॉमन और इसको ओपरेन कहते हैं इसके अंदर एक रेगुलेटर जीन होता है जिसको आई जीन कहते हैं जो यहां पे आपको नाम दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट बात है कि आई का मतलब इंड्यूजर नहीं है बल्कि इनिवेटर शब्द से है स्ट्री स्ट्रक्चरल जीन्स आर तो वो भी आपको दिख रहे होंगे जेड वाई ए उनके अगर हम नाम की बात करें तो Z इज बीटागलेक्टोसाइडिसमीसडाउन करेगा Y इंटर कराएगा सेल में और उसको कन्वर्ट कराएगा A इज ट्रांस राइट तीनों जीन जरूरी है अगर हमें लेक्टोज का मेटाबॉलिज्म ठीक से करना है तो अगर लेक्टोज होगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा था तो ये रिएक्शन होगी तो इन द एबसेंस ऑफ यानी कि लेक्टोज नहीं है तो क्या होगा तो ऑपरेटर रीजन जो है उससे रिप्रेसर बाइंड रहेगा और अरण्य प्रमोटर जो था उसकी एसेसबिलिटी नहीं रहेगी राइट जो हमें दिख रहा है डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली इंड्यूजर अगर होगा तो वो बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से जिसके कारण अब अरण्य की एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि अब ऑपरेटर क्या हो गया है फ्री हो गया है यानी ट्रांसलेशन हो सकती है राइट ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है ट्रांसलेशन हो सकती है क्योंकि ट्रांसलेशन के कारण ही तो एंजाइम्स बनेंगे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बेसिकली राइट लैक्टोज सबस्ट्रेट है यहाँ पे तो इसके कारण उसी के हिसाब से चीज़ें बताई गई हैं अगर ये सब नहीं होगा तो फिर एक्टिविटी नहीं होएगी यानी कि लैक्टोज जो है वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करता है ऑपरेन को यानी ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को और याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत ओपरेन का जो परमेबल एंजाइम है जैसे वो हर वक्त ही प्रेजेंट रहेगा ताकि लैक्टोज सेल में एंटर भी कर सके रिप्रेसर हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है हर वक्त चलता रहता है वो उसकी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज को रोकता है ये बात हमने समझ ली है और फिर आरएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है ये भी हमें समझ में आ गया है गैलेक्टोज और ग्लूकोज ऑपरेटर नहीं हो सकते लैक ऑपरेंन के लिए वो अपने आप अलग ऑपरेंट के लिए स्पेसिफिक होंगे कितनी देर तक लैक ओपरन एक्सप्रेस होगा तो जब तक लैक्टोज रहेगा तब तक एक्सप्रेस होगा और ये जो रिप्रेसर के कारण डिसाइड हो रहा है कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड करेगा कि साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी इसको बोलते नेगेटिव रेगुलेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग एस